तो यहाँ पे बच्चा ध्यान देना बच्चे आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था तेजस के बारे में, ठीक है। तेजस के बारे में तो याद रखें बच्चा, आपका एशिया का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कहाँ पे बनेगा बच्चा आपका, तो ये बनेगा आपका कहाँ पे, केवड़िया गुजरात के अंदर। ऐसा पहले भी बता चुका हूँ मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। केवड़िया समझ रहे आप लोग बच्चे, ये आपका कहाँ पे होगा, एशिया का पहला जो आपका ग्रीन रेलवे स्टेशन टू बी बिल्ट कहाँ पे, केवड़िया, जो कि गुजरात के अंदर है। तेजस एक्सप्रेस जो आपकी पहली चली थी कहाँ पे, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, और दूसरी कहाँ पे बच्चा आपका, समझ रहे हो, सॉरी आपका पहला आपका कहाँ पे चली थी, लखनऊ टू न्यू दिल्ली के बीच में, जबकि आपकी दूसरी कहाँ चली, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। ये भी याद रखें आप सभी लोग। अच्छा आवाज़ साउंड का इश्यू अभी भी आ रहा क्या? नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टॉपिक ये था बच्चे, मैंने आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में क्या किया गया, पास किया गया। याद रखना भारत में 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या है बच्चा आपका, डबल आपके क्या है, दोनों विधानसभा सदन है आपके, ठीक है, दोनों सदन है राज्यों के अंदर, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, उसमें आंध्र प्रदेश भी था आपका, तेलंगाना भी था, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है बच्चा आपके, दोनों सदन है। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि ऐसा क्या आपका जिसे भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त कर दिया जा सकता है, समझ लो, तो वो कौन है आपकी, विधान परिषद। तो आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश अभी विधानसभा ने क्या आपका एक प्रस्ताव पास करा है कि यहाँ की जो विधान परिषद होगी उसे समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ की विधानसभा ने एक बिल पास करा है, कौन सा, 3 अलग-अलग राजधानियाँ होगी, आर्थिक राजधानी अलग होगी तो न्यायिक राजधानी अलग होगी आपकी, इस तरह से आपके 3 कैपिटल वाला बिल पास करा था, लेकिन वो बिल आपका विधान परिषद में फेल हो गया था, ठीक है। तो याद रखना बच्चा आपका, तो आंध्र प्रदेश आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर मैंने आप लोगों को सीएम बताया, तो सीएम कौन है आपके, जगमोहन रेड्डी हो गए। और वर्तमान समय पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में लिख के देंगे कि वर्तमान समय पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की संभावित जो विकास दर नापी गई बच्चा आपका कितनी, 5.7 आंकी गई। यूएन पैक द इंडियाज पोटेंशियल जो ग्रोथ रेट है बच्चा आपका कितनी, 5.7 की बात की गई, ठीक है। तो याद रखें ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि एस्टिमेटेड 6.6% इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020। एक फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा आपका, 2020-21 में जो मापी गई है, याद रखना बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपका, एफ वाई फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं सबसे पहले। तो भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो वो कब से होता है बच्चा आपका, अप्रैल 1 से शुरू होता है, और कहाँ तक रहता है बच्चा, ये आपका मार्च लास्ट तक होता है, समझ रहे हो। यानी कि अप्रैल से मार्च के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। जैसे आप लोग एजुकेशन ईयर की बात करते हैं, हम लोग पहले आपका जुलाई से स्टार्ट होता था जून लास्ट तक, तो उसी तरह से भारत सरकार का अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा याद रखना बच्चा आपका, अगर मैं रिजर्व बैंक की बात करूं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है आपका, तो कब से कब तक होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है बच्चा आपका जुलाई 1 से और जून लास्ट तक, समझ रहे हो, 1 जुलाई से आपका और जून अंत तक क्या होता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ये 3 चीज समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा याद रखना, भारत में एकमात्र स्टेट है आपका, समझ रहे हो, कौन सा, मध्य प्रदेश। भारत का एकमात्र स्टेट कौन सा बच्चा आपका, मध्य प्रदेश, जिसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से बच्चा, जनवरी 1 से शुरू होता है और दिसंबर यानी कि 31, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 31 जनवरी तक है आपका, ठीक है। तो आपका कौन सा है, जनवरी टू दिसंबर, एकमात्र स्टेट आपका कौन सा, तो वो मध्य प्रदेश आएगा। यहाँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका। अभी 7 स्टेटों के अंदर है, यहाँ पे सुनील कुमार जी आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सही आंसर अभी 7 है। अभी क्या करा गया, आंध्र प्रदेश ने ऐसा बिल पास करने की कोशिश करी, ठीक है ना, यानी अभी बिल पास नहीं हुआ। बिल पास कब होगा, जब वहाँ पे क्या वोटिंग होगी आपकी, समझ लो, 1/3 आपके वन जो कोरम होता है बच्चा, कोरम होना भी आवश्यक है, तो अभी समाप्त नहीं हुआ, उसके लिए भी एक कोरम गठित होता है आपका, समझ लो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बच्चा, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ये बताया था कि म्यूनिक जो आपका
यानी कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी मैंने, ठीक है, कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 56 वर्ष बाद कोई देश दोबारा से इसमें क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा था बच्चा आपका, तो नॉर्थ कोरिया की बात करी थी मैंने इसका लगभग, क्योंकि 1963 में तो इसकी स्थापना होती है, समझ रहे हो, म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक। और ये कहाँ पे बच्चा आपका, म्यूनिख अगर शहर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अभी चर्चा में रहा म्यूनिख शहर कौन से देश के अंदर है, म्यूनिख सिटी लोकेटेड इन द विच कंट्री, तो याद रखना बच्चा कहाँ पे, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है बच्चा ये आपका, जर्मनी के अंदर स्थित है, ठीक। जिसका क्या है बच्चा आपका, पीस थ्रो एंड डायलॉग, इसका क्या है मोटो रखा गया। साथ ही साथ अगर जर्मनी का नाम यहाँ पे आया है, जर्मन कंट्री का नाम यहाँ पे आया, तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था ना ब्लैक फॉरेस्ट की बात करी थी मैंने, कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर। अब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम लोग आगे से पूरी कोशिश करेंगे बच्चा आपका कम से कम 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हों आपके, ठीक है। उसके बाद 20 आपके नए जो इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज हो, ठीक है, और उसके बाद बच्चा आपका 20 क्वेश्चन डेली रिवीजन के तौर पे रहे और 10 क्वेश्चन आपके क्विज के तौर पे रहे, ठीक है। एक घंटे के अंदर हम लोग इतनी चीज़ें कवर करें तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है, समझ रहे हो। और लास्ट में हमने एक पहल शुरू करी है आपको टॉप 3 क्वेश्चन, यानी कि डेली के 3 क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे, एंड में जब आपका स्ट्रीमिंग हो जाती है उसके बाद आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका आज का, निम्नलिखित अभिनेत्रियों में से किसे पद्म श्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वो अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म श्री अवार्ड 2020 में चुना गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ आंसर आ चुका है, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है बच्चा आपका, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका कंगना रनावत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा, जैसे ही आप लोग लाइव आते हो वीडियो को लाइक भी करते रहे हो, ठीक है, लाइक भी करते रहो बच्चा आप लोग, लाइक उससे क्या होगा एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो कंगना रनावत यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चा मैंने पद्म अवार्ड की बात करी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2020 में पद्म पुरस्कारों की बात की गई, ठीक है ना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा आपका, तो पद्म पुरस्कार होता है। तो 2020 में पद्म पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया, इसका आंसर कमेंट्स में दीजिए। कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, अब आप जीरो नहीं रह गए, बहुत आगे पहुंच गए, आपका लेवल अब काफी ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो आपको आंसर देना है कि 2020 में पद्म पुरस्कार के लिए कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है कमेंट्स में, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है इसका आंसर का आप लोग कमेंट्स में करते रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 26 जनवरी को आपका क्या किया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया, टोटल कितने लोगों को दिया गया आपका, 141 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया, ठीक है, पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया आपका, ठीक। उसके बाद याद रखना बच्चा आपका, ठीक है ना, पद्म पुरस्कारों के लिए कितना, 101। अब याद रखें सबसे बड़ा पद्म भी आपका 3 क्षेत्र में दिया जाता है आपका, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, पद्म विभूषण, दूसरा कौन सा होता है बच्चा आपका, पद्म भूषण, और तीसरे नंबर का होता है आपका कौन सा, पद्म श्री, ठीक है। यानी कि 3 क्षेत्रों में भी पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो कल बताया था मैंने आप लोगों को 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 लोगों को, और 118 यानी कि 118 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक। तो ये था बच्चा आप लोग, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, संगीत के क्षेत्र में, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड, यानी वार्षिक ग्रैमी अवार्ड किस सर्वाधिक पुरस्कार जीते, समझो ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं आपका, ठीक है। तो याद रखे बच्चा 62वें जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया बच्चा, उसमें सबसे ज्यादा पुरस्कार किसने जीते आपके, ठीक है। तो याद रखें सबसे पहले तो आपको अवार्ड का भी ध्यान होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा आपका, बिली इंग्लिश करके बच्चा ये आपका, ठीक है ना, इलिस, बिली इंग्लिश नहीं आपका, इलिस है आपका, बिली इलिस को क्या दिया गया बच्चा आपका, सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड, अलग अलग कैटेगरी में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते आपके, तो किसने जीता बच्चा आपका, बिली इलिस ने जीता। अब यहाँ पे जैसे अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है,
ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ बच्चा, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, समझ लो, पहले भारतीय 1991-92 के आसपास इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ग्रैमी अवार्ड विनर फर्स्ट इंडियन कौन थे, ऐसा क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर एंड में भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको ढूंढना है पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है क्योंकि ये संगीत के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रैमी अवार्ड 2020 पुरस्कारों में एल्बम के लिए, ठीक है, कौन सी एल्बम ने बेस्ट रॉक एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है, समझ रहे हो बच्चा आपका, तो ये है आपका बच्चा कौन सा, सोशल क्यूज करके आएगा आपका, ठीक है ना, कॉज, सोशल कॉज करके बच्चा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक, यहाँ पे बच्चा जैसे कि आपका अवार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका पूछा जाता है कि मान बुकर अवार्ड, सबसे पहले याद रखें एक हम लोग अवार्ड की बात करते हैं, प्राइज की बात करते हैं, तो मान बुकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, तो ये लिटरेचर में दिया जाता है, जैसे अभी मैंने आपकी किसकी बात करी, ग्रैमी अवार्ड की बात करी मैंने, तो ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जा रहा है आपका, तो ये जा रहा है आपका किस में, सिंगिंग या आपका संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, ये किस में दिया जाता है आपका, संगीत के क्षेत्र में। इसी तरह से जैसे आपका कलिंग पुरस्कार की बात करते हैं, कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे हम लोग, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चा, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अलग अलग ऐसे अवार्ड याद रखना बच्चा, हमें ये ध्यान देना कि सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को पढ़ना है, ठीक, जैसे कि आपका अवार्ड हो गया 2020 में अवार्ड कौन कौन से थे और किस क्षेत्र में दिया गया, ठीक, जैसे नोबेल पुरस्कार अब आपके जो 2019 में दिए गए वो सारे के सारे 2020 में आपको पूछे जाएंगे, समझ रहे हो, तो ये आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से याद करना, आप वन वर्ड में लिखिए लेकिन अवार्ड वगैरह जो दिए जाते हैं आपके उन्हें एक सिक्वेंस में भी लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, किस राज्य ने गरीबों के लिए शिव भोजन योजना की शुरुआत करी है, विच स्टेट हैज लॉन्च शिव भोजन स्कीम फॉर द पुअर पर्सन, ठीक है, तो यानी गरीबों के लिए बच्चा आपका शिव भोजन की शुरुआत करी, जैसे इससे पहले जब केंद्र में आपका इंडियन नेशनल सॉरी आपका ठीक कांग्रेस सरकार थी या आपकी, ठीक है, तो यूपीए जो गठबंधन था उस समय पर क्या किया गया था, अम्मा भोजन योजना शुरू की गई थी या अम्मा कैंटीन के नाम से शुरू की गई थी, तो उसी तरह से शिव भोजन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करा है, ठीक है, तो ये शुरू किया बच्चा आपका किसने बच्चा, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक, शिव भोजन योजना आपका महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, समझ लो, महाराष्ट्र के गवर्नर और सीएम के आपको याद होना चाहिए, ठीक, गवर्नर कौन है बच्चे यहाँ पे, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है ना, और यहाँ पे अलायंस बताया था मैंने आप लोगों को, तीनों का अलायंस है यहाँ पे, यानी कि गठबंधन है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गया बच्चा आपका, और कौन सा हो गया, शिवसेना, ठीक है, जो सीएम है आपके कहाँ से बच्चे आपके, तो ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि आपका उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे हम लोग तो कहाँ से हो, एनसीपी से, ठीक है ना, अजीत ठाकुर करके, ठीक, तो याद रख, अजीत पवार सॉरी आपका अजीत पवार, ठाकुर नहीं अजीत पवार, ठीक है, और उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हो गए, सीएम हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चा, बहुत ही दुखद घटना, आपका बहुत बड़ा नाम था, समझ रहे हो, एनबीए के क्षेत्र में यानी कि नेशनल बास्केटबॉल के क्षेत्र में अभी रिसेंटली एक आपका क्या होता है बच्चा आपका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, ज़्यादा ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व भर में काफ़ी बड़ा नाम था इनका, एनबीए के क्षेत्र में बास्केटबॉल प्लेयर थे, ठीक, तो इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, इस क्रैश में इनका निधन हो गया बच्चा, इनका नाम क्या था, कोबी ब्रायंट, आज के हर एक न्यूज़पेपर में इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कोबी ब्रायंट, कोबे ब्रायंट का नाम बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे जुड़े हुए, एनबीए यानी कि नेशनल बास्केटबॉल जो एसोसिएशन है, ठीक है, तो बास्केटबॉल प्लेयर थे, समझ रहे हो, यहाँ से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, कोबे ब्रायंट बच्चा किस क्षेत्र से जुड़े आपके, ये बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा आपका, दूसरा क्वेश्चन कि बास्केटबॉल में हाउ मेनी प्लेयर इस टीम, ठीक है, एक बास्केटबॉल प्लेयर कितने होते हैं, तो याद रखना बच्चा बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, पांच प्लेयर होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को अलग अलग खेलों के अंदर कौन कितने प्लेयर होते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, पोलो,
ठीक है। पोलो में कितने प्लेयर होते हैं आपके, चार प्लेयर होते हैं। उसके बाद बताया मैंने आपको क्या बताया, बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में कितने होते हैं, पांच होते हैं। इसी सिक्वेंस में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला बताया था बच्चा मैंने वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, छह प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगला क्या बताया बच्चा मैंने आपको, कबड्डी की बात करी थी, तो कबड्डी में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं आपके, सात प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग जिमनास्टिक की ओर, ठीक है। जिमनास्टिक में कितने हैं, आठ प्लेयर। नेक्स्ट आपका क्या आता है बच्चा, खो खो हो गया आपका, बेसबॉल हो गया और नेटबॉल हो गया। इन खेल में कितने होते हैं आपके, नौ नौ प्लेयर होते हैं। जबकि क्रिकेट हो गया बच्चा आपका, और हॉकी हो गया आपका, फुटबॉल हो गया, इसमें कितने होते हैं आपके, 11-11 प्लेयर होते हैं। और रग्बी खेल जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं आपके, 15 प्लेयर होते हैं। समझ रहे हो, यानी कि एक सीक्वेंस में चीज़ों को हमने पढ़ा यहाँ पे। हाँ बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे रंजीत कुमार मौर्य करके एक बच्चे का आंसर आया आपका, ग्रैमी अवार्ड फर्स्ट पर्सन इज द रविशंकर, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, पंडित रविशंकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पहले जो व्यक्ति थे। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, 27 जनवरी 2020 को किस राज्य में, अभी इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ा था, ठीक है। तो कौन सा आपका, असम के अंदर, समझ रहे हो बच्चा आपका, असम के अंदर आपका जो क्या था आपका, बोडो, जब समझ रहे हो, बोडो जो विद्रोही ग्रुप था उसने क्या कर दिया बच्चा आपका, शांति यानी कि सीज फायर की बात की गई है, शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। लास्ट ईयर काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ था असम के अंदर, तब इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया था बच्चा आपका, ऑपरेशन ऑल आउट नाम दिया गया था। समझ लो भारत सरकार, समझ लो आपका इंडियन आर्मी के द्वारा इसी क्षेत्र में जो बोडो उपद्रवी थे, समझ लो जो बोडो यूजी थे बच्चा, उनके ही खिलाफ यहाँ पे इस राज्य के अंदर क्या चलाया गया था आपका, यानी इस क्षेत्र में जो यहाँ पे, ठीक है, तो बोडो आपका ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया था इसी क्षेत्र में, ठीक। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की अभी रिसेंटली, ठीक है। तो कौन सा बच्चा आपका, एयर इंडिया, समझ रहे हो, पहले बताया था मैंने आप लोगों को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। हर एक पहलू बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा 2019 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन 2019 से जुड़ा है बच्चा आपका, विकलांग व्यक्तियों को वोट देने के लिए ईसीआई अवार्ड, समझ रहे हो बच्चा आपका, ईसीआई अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है, यानी कि ईसीआई अवार्ड, समझ रहे हो आपका, ईसीआई का मतलब क्या है बच्चा आपका, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, सम्मानित किसे किया गया बच्चा आपका, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो आपके, ठीक है, तो पंजाब राज्य के, पंजाब राज्य को इस तरह से इन्होंने इसके, इनके सहयोग के लिए इन्हें ईसीआई अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, पंजाब राज्य के, ठीक है, याद रखना बच्चा आपका, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, समझो, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे याद रखना बच्चा आपका, 2019 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो कौन से नंबर के थे, सिक्वेंस था बच्चा आपका 17वीं लोकसभा इलेक्शन, समझ रहे हो बच्चा आपका, 17वीं लोकसभा इलेक्शन 2019 में भारत में कौन से इलेक्शन हुए, 17वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका। और लोकसभा जो स्पीकर चुने गए, इनका नाम क्या है बच्चा आपका, तो ओम बिरला। वर्तमान समय पर भारतीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके कि कितने फेस में हुआ था, तो फेस में हुआ था आपका 7 फेसों में हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि 2019 जो 17वीं लोकसभा इलेक्शन कितने फेस में हुए थे बच्चा आपका, तो ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चा ये मैंने आप लोगों को अभी बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपका कि 27 जनवरी 2020 को किस मंत्रिमंडल ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया, तो ये आंध्र प्रदेश की बात आएगी, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा विधान जो आपका बिल पास किया, ठीक। अब चलते हैं बच्चा हम लोग कुछ रिविजन क्वेश्चन की ओर, जो काफी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इस वीक के दौरान। तो जैसे कि आपका
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी क्या किया गया, विश्वास करके गुजरात के अंदर क्या किया गया बच्चा आपका, विश्वास करके आपका एक योजना शुरू की गई थी, या विश्वास करके आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है, या प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक, तो याद रखना बच्चा विश्वास का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, विश्वास स्टैंड फॉर, यानी कि, तो याद रखना बच्चा आपका BDO इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइल्ड एडवांस्ड सिक्योरिटी की बात की गई यहाँ पे। ठीक, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, विश्वास क्या चीज है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु वन द ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसी अवार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसी अवार्ड 2020 किसने जीता है। प्रत्येक वर्ष यूके के द्वारा, समझ रहे हो, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसी अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो याद रखना बच्चा ये किसने जीता है, तो इस संबंध में बताया था मैंने आप लोगों को, यानी कि ईश्वर शर्मा के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका। ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूसी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चा आपका, तो राजीव रॉय, ठीक है ना, राजीव रॉय भटनागर को, राजीव राय भटनागर को यहाँ पे क्या चुना गया आपका। ठीक, तो याद रखे बच्चा आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय शहर मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी करेगा। समझ लो बच्चा आपका, मिलन के लिए, यानी कि आपका क्या है बच्चा आपके, संयुक्त रूप से एक नौसेना अभ्यास होगा जिसमें 43 कंट्रियों को क्या किया गया बच्चा, इनवाइट किया गया, जिसमें अब तक 31 कंट्रियां क्या कर चुकी है इसमें, यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, मंजूरी दे चुकी है। तो याद रखना बच्चा आपका कहाँ पे होगा मिलन, एक आपका आयोजन होगा, ठीक, तो कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम के अंदर मिलन का आयोजन होगा। 2019-20 में विशाखापट्टनम आपका काफी चर्चा में रहा। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना आपका, मैंने आपको बताया था बीम्स टैक करके एक आप क्या होता है 2019 में पोर्ट समिट होता है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ बच्चा आपका, तो ये भी आपका विशाखापट्टनम में हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया था, समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, एक बताया था मैंने आप लोगों को समुद्रा शक्ति, ठीक है, समुद्रा शक्ति करके बच्चा आपका क्या होता है, जॉइंट एक नेवल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, ये क्या था बच्चा आपका, नेवल एक्सरसाइज था, तो ये भी कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ। अगला बच्चा मैंने आपको क्या बताया था, टाइगर ट्रंप करके, टाइगर ट्रंप करके बताया था बच्चा मैंने आप लोगों को, यहाँ पे क्या होता है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, भारत की तीनों सेनाएं और यूएस आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो ये भी कहाँ पे, विशाखापट्टनम के अंदर हुआ। और अगला क्या याद रखना आपको विशाखापट्टनम से, भारत इंडियन रेलवे का, इंडियन रेलवे का 18वां जोन जो बना आपका, साउथ कोस्टर्न रेलवे 18वां जो आपका, ठीक है ना, जोन कौन सा बना, साउथ कोस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम के अंदर ही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना, 2019-20 में विशाखापट्टनम क्यों चर्चित है, जैसे नाम आएगा आपको यहां से क्वेश्चन याद होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो हाँ वीरेंद्र कुमार जी, PDF देखो, अभी मैं PDF प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसके लिए जल्दी से कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा कि PDF कैसे मिलेगी आप सभी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप आंसर देते रहिए। भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 2018-19 के लिए पुरुषों के लिए पॉली उमिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनमें से कौन सा क्रिकेटर है बच्चा जिन्हें, विच इंडियन क्रिकेटर इज द रिसीव पॉली उमिगर अवार्ड फॉर मेल फॉर द ईयर 2018-19 के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका किन्हें दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो डी आएगा आपका, जसमीत बुमराह। ठीक है, जसमीत बुमराह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, अभी भारतीय क्रिकेट टीम कहाँ के दौरे पे है, सभी लोगों को याद होगा न्यूजीलैंड, समझ लो भारतीय क्रिकेट टीम कहाँ पे है बच्चा आपका, न्यूजीलैंड दौरे पे। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड बच्चा आपका 2019 में काफी चर्चा में रही, उसकी वजह बताया था मैंने आप लोगों को, पहला तो क्रिकेट विश्व कप के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप 2019 में रनर अप टीम रही,
दूसरा बच्चा कि आपका इस कंट्री ने 1 जुलाई 2019 से, समझ रहे हो आपका, यानी कि न्यूजीलैंड जो कंट्री है बच्चा, 1 जुलाई 2019 से इस इन कंट्री के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, सिंगल यूज जो आपके प्लास्टिक बैग है यानी कि एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया था 1 जुलाई 2019 में। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, न्यूजीलैंड की लोकेशन कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ठीक है ना बच्चा। तो याद रखना न्यूजीलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो याद रखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आता है बच्चा आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, ओशिनिया, ठीक है ना, ओशिनिया कॉन्टिनेंट जिसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, वहां पे स्थित है आपका, ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, समझ लो, जहां पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्वे हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया आपका, बोगनविले हो गया, ये सारी कंट्रियां यहीं पे स्थित है, ठीक है। बोगनविले का नाम क्यों ले रहा हूं, बोगनविले के अंदर अभी क्या चल रहा है आपका, जनमत संग्रह चल रहा है, अलग कंट्री पापुआ न्यू गिनी से अलग होने के लिए, ठीक है, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई थी सोलोमन सी के अंदर। जिन बच्चे जो बच्चे नए जुड़े तो बोगनविले के बारे में पिछले लेक्चरों में बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन चुने गए, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, यानी कि कल के जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा था, ठीक है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव को चुना गया, ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में कौन है आपका, बलराम भार्गव, ठीक, जो कि प्रोफेसर है आपके किस में, एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आपका जो मेडिकल साइंस की बात करेंगे हम लोग, तो पहली बार भारत में कब बना, 1956 में, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब कितने हो गए भारत में टोटल, तो इनकी टोटल ब्रांचें हो गई आपकी कितनी, 22, और जो लास्ट जो ब्रांच थी आपकी कहाँ पे, ये आपका कहाँ पे, झज्जर हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पे आपका, झज्जर हरियाणा के अंदर आपका इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि एम्स की स्थापना 1956 में हुई पहली बार दिल्ली के अंदर, और सबसे अभी टोटल कितने हो गए आपके, तो 22 हो गई, और सबसे लास्ट में अभी इस्टेब्लिश की गई थी झज्जर हरियाणा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन पीएम मोदी के द्वारा क्या किया, पीएम मोदी जी के द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर कितने आपका, ठीक है ना, एक डाक टिकट जारी किया गया, समझ रहे हो बच्चा आपका, यानी कि आपका एक डाक टिकट जारी किया गया बच्चा, कितने हैं, तो याद रखे बच्चा आपका कितने वर्ष कंप्लीट होने पे, तो ये भी बताया था मैंने 150 वर्ष, ठीक है, यानी कि 150 वर्ष पर एक डाक टिकट जारी किया गया, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड यानी कि महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व महासागर दिवस, तो ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा भी गया मेरे द्वारा, मैंने आप लोगों को पूछा था विश्व महासागर दिवस की बात करते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चा जो कई बार रिपीट हो चुका है, समझ लो, तो ये क्वेश्चन आपका अभी LMRC में पूछा गया था, ठीक है ना, ये LMRC के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन था आपका कि वर्ल्ड आपका ओशन डे के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ, इसका नाम क्या रखा गया आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे भी रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में क्रोशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है, क्रोशिया के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया, तो ये भी याद रखने योग्य विषय है, ठीक है, तो किसे चुना गया बच्चा आपका, तो इनका नाम क्या आएगा आपका, ए इसमें राइट आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है, जोरान मिलानोविच को चुना गया, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब क्रोशिया की बात करेंगे हम लोग, तो क्रोशिया का नाम आप लोगों ने कब सुना होगा, 2018 में, 2018 में क्रोशिया का नाम क्यों सुना आपका, तो याद रखने बच्चा आपका, ठीक है, क्रोशिया का नाम आप लोगों ने क्यों सुना होगा बच्चा, मैंने बताया था आपका कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप, समझ लो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हुआ, रशिया के अंदर होता है, ठीक है,
समझ रहे हो। और फीफा वर्ल्ड कप रसिया में होता है, उसमें रनर अप टीम कौन सी थी आपकी, तो रनर अप आपकी क्रोशिया ही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होंगे, तो ये होंगे बच्चा आपका कतर के अंदर होंगे, ठीक है। 2022 में कतर कंट्री के अंदर ये आपके होंगे, ठीक। तो ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हो रहा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका आपका, तो ये कहाँ पे हुआ बच्चा आपका, अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ बच्चा आपका, डी इसका राइट आंसर आएगा, आबू धाबी के अंदर। समझ रहे हो बच्चा आपका, यानी कि आपका वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 के अंदर हुआ आपका। समझ रहे हो बच्चा आपका, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी आपका समिट 2020 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ आपका आबू धाबी के अंदर, ठीक है। यानी आपका आबू धाबी, इसमें राइट आंसर आएगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। किस शहर को, विच कंट्री विच इज द कॉल्ड सिटी ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। किस शहर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, डेस्टिनी शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका विशाखापट्टनम। तो याद रखें आपका विशाखापट्टनम कहाँ पे, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं विशाखापट्टनम एक पोर्ट है, तो ये किसका पार्ट है, कौन सी कोस्टल लाइन में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली। कि जैसे कि आपका कालीकट बंदरगाह है, आपका कालीकट जो पोर्ट है, तो ये किस तट का हिस्सा है, समझ लो कौन से कोस्टल लाइन का हिस्सा आता है। तो याद रखें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, समझ लो। ये भारत के कोस्टल लाइन की बात करता हूँ, वैसे जनरल स्टडी में कई बार बताया मैंने आप लोगों को, याद रखे बच्चा। ये पूरा का पूरा पोर्शन की हम लोग बात करते हैं यहाँ तक, इसे क्या बोला जाता है आपका, तो इसे कहा जाता है बच्चा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ये कौन सा बच्चा आपका पश्चिमी घाट, और ये वाला पोर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन सा है बच्चा आपका, तो ये है आपका पूर्वी घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब इसको भी मैंने बताया था, इसे डिवाइड किया गया आपका कहाँ तक, तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा के तट तक, तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक जो आपको समुद्री तट दिखेगा, यहाँ पे जो भी पोर्ट दिखेंगे, तो वो किसका पार्ट होगा, ये पार्ट होगा बच्चा किसका, कोरोमंडल का, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, वो किसका हिस्सा होगा बच्चा आपका, कोरोमंडल का, ठीक है। और जस्ट आपका ओडिशा से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो जितने भी आएंगे आपके, जैसे कलकत्ता, जो कोलकाता पोर्ट है आपका, ठीक, जो भी पोर्ट आएंगे यहाँ पे, वो किसका आएगा बच्चा आपका, नॉर्थ सरकार यानी कि उत्तरी सरकार का हिस्सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपका कहाँ तक बताया, केरला का जो भी पोर्ट वाला हिस्सा आएगा आपका समुद्री तट, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका मालाबार तट। जबकि आपका गोवा से लेकर गुजरात तक कौन सा है बच्चा आपका, कोकण तट, ठीक है। तो कोई भी अगर पोर्ट देता है आपसे, पूछता है कौन सा हिस्सा है, कोकण तट का हिस्सा है या आपका मालाबार का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019-2020 के लिए एक प्राइज दिया गया आपका, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ असम को, या त्रिपुरा को, बोलेनिया त्रिपुरा को, गुंटूर आंध्र प्रदेश, या आपका सेहोर बिहार को, किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो किसे दिया गया बच्चा आपका, डिब्रूगढ़ असम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। असम का ये शहर जिसे डिब्रूगढ़, आपसे पूछा जाता है डिब्रूगढ़, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ असम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे असम की बात आती है, तो असम के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है ना। 2020 में असम से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ के सीएम कौन है, दूसरा यहाँ के गवर्नर कौन है, ठीक है। सीएम कौन है बच्चा आपका, सर्वानंद सोनवाल। गवर्नर कौन है यहाँ के, जगदीश मुखी। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन कल भी बताया था मैंने आप लोगों को जनरल स्टडी क्लास में, जगदीश मुखी यहाँ के सीएम हो गए। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पे, तो यहीं पे हुआ आपका गुवाहाटी के अंदर। तो असम को भूलिए मत, 2020 के अंदर जो भी एग्जाम होंगे आपके, पूर्वोत्तर भारत से आपको काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कब, कुछ दिन पहले बताया भी था मैंने आप लोगों को, 50वीं विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
सॉरी बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका? दीपिका पादुकोण आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने अभी क्या आपका कैथरीना सैकलोपाउ, ठीक है ना, इनका नाम क्या बच्चा आपका? कैथरीना सैकेलो पोलू करके बच्चा इनका नाम है, ठीक है ना, सैकेल, ठीक है। तो इन्हें क्या चुना गया बच्चा आपका? अभी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो कौन है बच्चा आपका? ग्रीस की महिला, ठीक है। तो याद रखें आपका इसमें क्या आएगा आपका? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका? ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, 50वीं, यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ बच्चा आपका दावोस के अंदर। ये लगभग आपका हर बार एक ही स्थान पे होता है आपका, कहाँ पे? दावोस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। उस मानव रोबोट का नाम बताइए, उस मानव रोबोट का नाम बताइए जिसे इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए विकसित किया गया। आजकल आप लोग लगातार 2-3 दिन से आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, किसके बारे में? व्योममित्र के बारे में, ठीक है ना, समझ लो आप लोग। व्योममित्र आएगा यहाँ पे, यहाँ पे व्योममित्र का रखा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका? व्योममित्र करके, समझ रहे हो? आपसे पूछता है कि व्योम मित्र क्या है, तो आपको क्या बताना है? ये अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला एक रोबोट है, मानव रोबोट है आपका, ठीक। इसे क्या कर रहा है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया, इसरो के द्वारा इसे डेवलप किया गया, तो इसका नाम क्या आपका? व्योम मित्र, ठीक। ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शहर जिसे GLL, ठीक है ना, आपका क्या दिया गया बच्चा? GLL सिटी, ठीक है, मोमेंटम इंडेक्स 2020 में क्या दिया गया बच्चा आपका? ठीक है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा है आपका? तो ये शहर है बच्चा आपका कौन सा? डी आएगा आपका, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद शहर। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपके अर्जुन मुंडा, ठीक है ना, यहाँ पे कौन आएगा बच्चा आपका? अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चे, किस राज्य ने 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष स्थान प्राप्त करा है? खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष स्थान आपका किसे मिला है? महाराष्ट्र को, ठीक है। सभी लोग कमेंट्स में आंसर देते रहे, हर एक चीज यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय पर गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को? 2 अक्टूबर 2019 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 150, यानी कि महात्मा गांधी जी की कौन सी थी? 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है ना। तो उस पर गोवा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि जितने भी आपके सरकारी कार्यालय होंगे, गवर्नमेंट जो ऑफिस होंगे बच्चा, उन पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग क्या कर दिया गया? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान समय पर यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हो गए, जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है बच्चा? तो मृदुला सिन्हा से अब कौन बन गया आपके? तो सत्यपाल मलिक बन गए, जो पहले कैन सो आपका, जब भारत में अंदर के जो जम्मू एंड कश्मीर क्या था आपका? एक राज्य था, उसके अंदर क्या थे बच्चा? ठीक है ना, अब तो क्या बन गया? यूटी बन गया आपके, दो अलग अलग बन गए। तो उस जब आपका पूर्ण रूप से स्टेट था आपका, तब सत्यपाल मलिक वहाँ पे क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ चुके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आपका बच्चा? भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका? तो भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर इसे क्या किया गया आपका? पहला ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, जो कहाँ पे आपका? भोपाल के अंदर, BMC के द्वारा, समझ लो। BMC मतलब आपका भोपाल, जो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ILO की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1919 में, समझ लो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसी कारण तो आप लोग 1 मई को, प्रत्येक वर्ष 1 मई को क्या मनाते हैं आप लोग? लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 49, कल भी बताया था, इस वीक में लगातार बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, याद रखना रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। मुझे यही लगता है कि हर बार अगर चीज़ें हम लोग रिपीट करते तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें जानने की इच्छा भी होती है, ठीक है ना, यानी कि हमें चीज़ें समझ में भी आती है और याद भी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, किस राज्य को आपदा समन्वय प्रबंधन केंद्र यानी कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, आपदा यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राज्य के क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को क्या दिया गया आपका, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उत्तराखंड राज्य सरकार, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है, तो कौन सी है बच्चा आपका, तो डी यानी कि 72 ही रैंक है। कौन सी रैंक है बच्चा, 72वीं रैंक है, ठीक है। हाल ही में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत की रैंक कौन सी होगी, व्हाट इज द इंडिया रैंक इज द रिसेंटली रिलीज करप्शन प्रिपरेशन आपका इंडेक्स के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखना बच्चा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर, ठीक है ना, यानी कि याद आएगा आपका सीपीआई के अंदर भारत की जो रैंक है बच्चा कौन सी आएगी, तो यहाँ पे बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, तो याद दी इसका भी राइट आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 के अंदर भारत की रैंक क्या आएगी बच्चा आपका, तो 80 इसमें रैंक आएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2020 में भारत की विकास दर 5.8% की कमी की भविष्यवाणी की है, ठीक है, तो ऐसा किसने कहा है बच्चा आपका, तो ये आएगा आईएमएफ के द्वारा, ठीक है, आईएमएफ के द्वारा क्या आंकी गई कि 2020 में भारत की जो ग्रोथ रेट थी, ठीक है, जो क्या थी बच्चा, भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो क्या है बच्चा आपका, 5.8% है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चा आपका क्या करा था, आपका न्यायिक राजधानी के रूप में बनाने का प्रस्ताव जारी किया था, लेकिन ये बिल आपका क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, ये बिल आपका क्या हो गया, यहाँ पे तीन अलग अलग राजधानी की बात करी थी, ठीक है, तो वो कुर्नूल की बात करी थी, लेकिन ये आपका क्या हो गया, ये बिल आपका विधान परिषद के अंदर फेल हो गया, समझ रहे हो बच्चा आप। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप लोग, वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना को किस तारीख को लागू किया जाएगा, वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना को किस तारीख से लागू किया जाएगा, तो 1 जून 2020 में ये लागू किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वायुसेना ने किस विमान को पहला स्क्वाड्रन आपका शामिल किया है, ठीक है, तो कौन सा किया गया बच्चा आपका, तो ये भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, Sukhoi 30 को इंडियन एयरफोर्स हैज इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, इंडक्टेड इन द फर्स्ट आपका स्क्वाड्रन ऑफ द विच एयरक्राफ्ट, तो सुकोई आपका 30 आएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि कब मनाया जाता है, हर एक क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन था बच्चा आपका, यानी कि यहाँ पे कौन होगा नहीं आएगा आपका, कौन थे बच्चा आपका, तो यहाँ पे कौन से आपके, ठीक है, जेयर बोल्सोनारो, ठीक, ए यानी कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट आपके 71वें रिपब्लिक डे पर क्या थे, मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे, ठीक है, ए इसका राइट आंसर था, ठीक। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या, भारत को कार्बन, समझ रहा आपका बच्चा, कार्बन प्रकटीकरण परियोजना, सिंपल सा क्वेश्चन आपका, रैंक इज द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 में कौन सी रैंक दी गई है, ठीक है, तो कार्बन डिस्क्लोजर में कौन सी रैंक दी गई बच्चा आपका, 5वीं रैंक दी गई है, जबकि फर्स्ट नंबर पर कौन है आपका, तो यूएसए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चा, ठीक है, तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में कौन सा देश शीर्ष पे है, ठीक, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 में कौन सा देश सबसे टॉप पे आपका, तो टॉप पे कौन है बच्चा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आईसीजे, आईसीजे की बात करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा बच्चा आपका,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर विच नेशन टू टेक अर्जेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट रोहिंगा मुस्लिम। ठीक है, तो किसे कहा गया बच्चा आपका, म्यांमार को ऐसा ऑर्डर दिया गया यानी कि तत्काल कोई कदम उठाए उनके संरक्षण के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आईसीजे की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दी हेग के अंदर हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग के अंदर है। और इसमें टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक कौन है बच्चा, तो दलवीर भंडारी भी हैं, समझ रहो, एक भारतीय यानी इन 15 में से एक जो आपके न्यायाधीश है वो भारतीय भी, क्या नाम उनका, दलवीर भंडारी। ठीक है, तो दलवीर भंडारी भी इसमें वर्तमान समय पर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर वर्ष हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे आप लोग याद रखना कि 2019-20 में काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे आपका, समझ रहे आप लोग। तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चा आपका, सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1939 में। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इनके नाम पर कितना आपका, 75 रुपये का कॉइन जारी किया गया था, कब किया गया था आपका, तो 2019 में, क्योंकि पहली बार सेलुलर जेल यानी कि अंडमान निकोबार के अंदर जो आपका सेलुलर जेल था, यहाँ पे इन्होंने 1943 में ट्राई कलर भारतीय तिरंगा को फहराने के उसमें, ठीक है, तो यानी कि इनके सम्मान में 75 रुपये का कॉइन भी जारी किया गया था। अंडमान निकोबार के अंदर तीन अलग अलग द्वीप है, जैसे शहीद हो गया, स्वराज हो गया, इन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। EIU यानी कि EIU ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है, GDI 2019 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, समझ लो बच्चा आपका, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU का मतलब क्या बच्चा आपका, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में भारत को कौन सी रैंक दी गई बच्चा यहां पे, तो यहां पे कौन सा आएगा आपका बच्चा, 51वां। भारत की रैंक कौन सी रहेगी बच्चा इसमें, तो 91वीं रैंक है। ठीक है, समझ रहे बच्चे आपका, 51वीं रैंक है भारत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि 26वां आपका क्या है, स्क्रीन, समझ रहे आपका, समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड 26 एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ट अवार्ड। ठीक है, तो किसे दिया गया बच्चा आपका, तो ये दिया गया आपका, पैरासाइट ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है SAG अवार्ड, सैग अवार्ड की बात करेंगे हम लोग, समझ रहे हो, सैग प्राइज 2000 जो आपका 19 के हिसाब से दिया गया आपका, ठीक है ना, बेस ईयर का होता है आपका 2019, तो पैरासाइट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, सैग अवार्ड 2019 के लिए सम्मानित किया गया तो पैरासाइट को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सैग की बात करेंगे। यहाँ पे सैग अवार्ड मैंने आपको बताया 2020 में एक ड्रामा सीरीज के लिए, बेस ईयर आपका 2019 है, ठीक है, और अवार्ड कब दिया गया आपका, 2020 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि लास्ट टाइम जैसे आपका अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं हम लोग, तो 2019 का 20 में दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना आप लोग। तो किस अभिनेता को दिया गया बच्चा आपका, तो इनका नाम क्या आपका, पीटर डिंकलेस, ठीक है ना, पीटर डिंकलेस को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, सैग अवार्ड 2020 में एक ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता बच्चा आपका, तो पीटर डिंकलेस ने इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, ये बताया था मैंने आप लोगों को, लेकिन ये बिल आपका क्या हो गया बच्चा आपका, ये बिल आपका विधान परिषद में फेल हो गया। ठीक है, यानी कि ये बिल वहां पे पास नहीं हुआ विधान परिषद के अंदर, तो जिस कारण से बच्चा यहाँ पे विधान परिषद समाप्त करने की बात भी की गई, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया था। ठीक है, कुछ ही दिन पहले विधानसभा के अंदर बिल पास हुआ था आपका। ठीक है, वहां पे क्या कहा गया था आपका कि तीन विधायी राजधानियां होगी आपकी, समझ लो, तीन राज्य, ठीक है, एक आपका अमरावती में विधायी राजधानी के रूप में, विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, और कुर्नूल में क्या होगा, न्यायिक राजधानी के रूप में एक विधेयक
पेश किया गया था, ठीक है, समझ लो, एक बिल पेश किया गया था जो विधान परिषद सभा में पास तो हो गया लेकिन विधान परिषद में ये आपका क्या हो गया, पास नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पे ये प्रस्ताव फेल हो गया था, ठीक। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के अंदर तीन अलग अलग कैपिटल बनाने की घोषणा की गई थी, अमरावती विधायी राजधानी के रूप में, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी के रूप में, और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में, ठीक है। तो ऐसा आपका डिसीजन लिया गया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर। 11वें भाजपा के यानी कि आपका भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया, यानी कि जेपी नड्डा, समझ रहे हो बच्चा, जेपी नड्डा को चुना गया, ठीक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपका, तो ये बिलोंग करते हैं आपका हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एचपी से बिलोंग करते हैं, ठीक। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे बच्चा, आप लोग शेयर भी करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहिए बच्चा आपका, ठीक है। 19 जनवरी को किस परमाणु सक्षम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, तो ये था बच्चा आपका K4, समझ रहे बच्चा आपका। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जनवरी 19, परमाणु सक्षम मिसाइल तो कौन सी थी बच्चा आपका, K4, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाता है K4 क्या चीज है, ठीक है, जैसे कई बार आता है आपका G17 ग्लोब मास्टर, ये क्या है बच्चा आपका, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, G17 ग्लोब मास्टर एक हेलीकॉप्टर है, तो उसी तरह से बच्चा आपका K4 क्या है बच्चा आपका, परमाणु सक्षम एक मिसाइल है जो अभी क्या किया गया आपका, टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये बच्चा, मैंने आप लोगों को कल जो क्वेश्चन पूछे थे, समझ रहे बच्चा आपका, प्रति यानी कि ये क्या एक पहल है बच्चा आप लोगों के, क्योंकि मैं आपके नाम हर बार नहीं ले सकता हूँ, हर एक बच्चे का नाम लेना पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या आपका एक पहल शुरू करी थी कि पहले तीन क्वेश्चन है, और सबसे पहले जैसे आपकी स्ट्रीमिंग होती है तो आप लोग इन क्वेश्चनों का आंसर स्ट्रीमिंग में दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चा आपका, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चा आपका, वर्तमान समय पर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, 27 तारीख को ये क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि मंडे, समझ रहे हो, 27 जनवरी 2020 को ये क्वेश्चन पूछे गए था आपसे, सी ऑफ पॉपीज नोबेल किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला G20 का भारत कब मेजबानी करेगा, तो 2022 में करेगा, ठीक है। वर्तमान समय पर मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो सुधीर भार्गव बताया था मैंने आप लोगों को, सी ऑफ पॉपीज किसकी है, अमिताभ घोष की ये ऑफ, ठीक है। तो ये तीन थे आपके, तो इन तीनों क्वेश्चनों के जो सबसे पहले फर्स्ट तीन जो बच्चे थे बच्चा जिन्होंने इनके आंसर दिए, काफी सारे बच्चों ने लाइव क्लास में आंसर दे दिए थे, तो उनके नाम यहाँ पे मेंशन दिए, ठीक है। सुनील कुमार जिन्होंने इनका सही आंसर दिया आपका, ठीक है, पहला 2022 सही है आपका, सुधीर भार्गव और अमिताभ घोष, ठीक है। अंकित गुप्ता यहाँ पे बच्चा, ठीक है, उन्होंने भी सभी क्वेश्चनों के सही आंसर दिए आपके, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कि इलाहाबाद सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अगला बच्चा यहाँ पे कृष्णा सिंह करके, इन्होंने आंसर दिया था G20 होस्ट इंडिया 2022 में, सुधीर भार्गव बच्चा आपके वर्तमान समय पर क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है, अमिताभ घोष 2018 के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2018 यहाँ पे मेंशन है, ये बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आज के लिए आपके तीन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर स्ट्रीमिंग एंड पे आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम चेंज होने चाहिए, ये सिर्फ एक पहल है बच्चा मोटिवेशन के लिए कि आपके कमेंट्स को भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स को नहीं, टेक्निकल टीम आपके हर एक फीडबैक को देखती है, समझ रहे बच्चा, जो भी आप लोग फीडबैक देते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा हर कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि सर यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए तो हम बदलाव नहीं करेंगे, बस डेली एक ही रूटीन चलता रहेगा, आप लोग बताइए सर इसमें ये बदलाव होने चाहिए तो आपका, ठीक है। सभी बच्चों ने आंसर दिए थे। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले, आज का यानी कि टुडे क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट्स कब करेंगे बच्चा, जैसे स्ट्रीमिंग एंड हो जाती है तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट्स में देंगे, और सभी बच्चे वीडियो को जाते जाते शेयर और लाइक जरूर करें, जो भी चैनल से नया जुड़ रहे वो बच्चा सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन, समझ लो बच्चा आपका, यहाँ पे ये मेंशन नहीं आएगा आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन समझ लो बच्चा आपका,
हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह किस देश ने यहाँ पे आपातकाल की घोषणा करी है? तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर इमरजेंसी इन द गैलापागोस? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व इन द एवरी ईयर, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इन तीन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग कमेंट्स में मेंशन करोगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा आप लोगों की एडवांस मैथ्स की क्लास भी चलती है, तो आप लोग एडवांस मैथ्स पे भी रेगुलर बने रहो, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर स्ट्रीमिंग के एंड होने पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा बच्चा, मुझे बच्चों को भी, और ध्यान देना ये जो बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं पहले तीन, ये रेंडमली है बच्चा, ठीक है, फर्स्ट तीन बच्चे रेंडमली सिलेक्ट किए गए, ठीक है। तो बच्चा आज का लेक्चर मैं यही समाप्त कर रहा हूं, इसके बाद आप लोगों की क्लास चलेगी एडवांस मैथ्स की, ठीक है। तो बच्चा आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करते रहिए आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, जो बच्चा चैनल से नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है।